हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी यह भी उन्होंने निर्देश दिया है कि जितने बच्चों का डेथ हुआ है उनके घरों में टीम जाएगी। कल से हम लोग शुरू कर रहे हैं तो टीम जाएगी यह जानने के लिए कि उनका सोशल बैकग्राउंड, उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या था। कि किसी किसी सोर्स से लोग ये बोलते हैं कि शायद न्यूट्रिशन के कारण खाना खाली पेट रहने से, मगर ये लगता नहीं है, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन के कारण हुआ है या फिर गंदगी कारण हुआ है तो अचानक क्यों बढ़ा है, ये इस साल क्यों बढ़ेगा? तो ये न्यूट्रिशन वाला कारण शायद नहीं होना चाहिए। फिर भी सरकार ने निर्णय लिया है कि हर घर में टीम जाएगी, कल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, यह जानने के लिए कि बैकग्राउंड क्या है, क्या मतलब उनका इकोनॉमिक हालत क्या है, और इनकेस अगर उस तरह की स्थिति आ गई तो फिर सरकार फिर अग्रतर कार्रवाई करेगी। तो हम लोग कल से पूरी टीम भेज रहे हैं, हर घर में जाके टीम जानने की कोशिश करेगी कि उनका बैकग्राउंड क्या था और क्या क्या कोई सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड इसके पीछे तो नहीं। सर, एक सवाल उठता है कि आपने कहा कि पिछले साल से मृत्यु की संख्या कम हुई है, लेकिन 2013-14 में जब इसी तरह से बच्चों की मौत होने लगी थी, उस समय जो सरकार ने प्रिवेंटेशन लिया था, जो ये किया था, वो अभी तक क्यों नहीं जमीन पर आ पाया, बुनियादी वो मजबूत क्यों नहीं हो पाया कि इस साल बच्चे की मौत नहीं होती? ये 5-6 साल लगातार बच्चों की मौत हो रही है, तो सरकार जब ये हो जाता है उसको सो जाती है, उसके बाद कोई पर काम नहीं होता है, कोई वहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं बनाया गया ताकि बच्चों की जांच पहले से हो, उस बीमारी की पता किया जा सके। आज जो आप टीम भेज रहे हैं उस समय क्यों नहीं किया गया कि उस समय पता कर लेते कि जिन बच्चों की मौत हो रही है किस परिवार से आते हैं, उनके हालत क्या है, वो क्या खाते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वर्ष हम लोगों ने 7 ऐसे अस्पताल हैं जहां पर पीडियाट्रिक आईसीयू पहली बार चालू किया है, और आपने मुजफ्फरपुर देखा भी होगा, मुजफ्फरपुर में आज के दिन में 50 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू रन कर रहा है। इनफैक्ट आवश्यकता अनुसार हम लोगों ने कल ही सुबह में 16 ऐसे बेड्स को बढ़ाया है। ऐसी बात होने पर ढेर सारी बातें कही जा सकती हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, लेकिन जो बातें मुख्य सचिव महोदय ने बताया कि आप यदि फेटिलिटी रेशियो को देखेंगे तो हमारा जो फेटिलिटी रेशियो जो कभी वर्ष 2013 में 38 था, मतलब 100 में जो बच्चे दाखिल हो रहे थे उसमें से 38 बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे, हम लोगों ने बेहतर सेवा देकर के उसको आज के दिन में 26.5 है, तो इसको कम किया है, और गुंजाइश है चीजों को बेहतर करने की, और स्वास्थ्य विभाग इस बिंदु पर निरंतर कार्रवाई कर रहा है और चीजों को बेहतर बनाया जाएगा। मेरा एक सवाल था सर, हीट वेव से जिस तरह से साउथ बिहार की बात करें, नवादा, गया, जहानाबाद, तमाम जिलों में आनंद फानंद में व्यवस्था की गई, अगर ये व्यवस्था जिस तरह से हॉस्पिटल में होता है कि जो गांव दराज से लोग आते हैं उनको ये मिल जाए, हीट वेव से कई लोग जो है मतलब गर्मी के कारण वहां पे जाने जा रहे हैं, तो ये व्यवस्था और बेहतर अगर होती तो ये जाने बचाई जा सकती थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने जानों को बचाया है। यदि आप पिछले 3-4 दिनों के आंकड़ों को देखेंगे तो हमारे अस्पतालों में कुल 562 लोग हीट स्ट्रोक से प्रभावित होकर के आए, उस 562 में से 77 की मृत्यु हुई है, तो लगभग 490 लोगों को हम लोगों ने ट्रीटमेंट देकर के उनके जान को बचाया भी है, तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन यह है कि यह अप्रत्याशित हुआ है और हम लोग भी इसके कारणों को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दिनांक 15 तारीख को ऐसी कौन सी ऐसी वाकया हुई जिसके कारण इस प्रकार से एक सर्च के रूप में आया, और औरंगाबाद, गया और नवादा तीनों जिलों में अब बहुत से पेशेंट्स हमारे अस्पतालों में आए। 23 लोग ऐसे भी थे जो हमारे अस्पतालों में ब्रॉड डेड पाए गए थे, मतलब कि जो वो गर्मी से उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन जब तक वो अस्पताल पहुंचे उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो अब तक जो हमारे पास आधिकारिक आंकड़े हैं, मैं बताना चाहूंगा कि कुल 100 मृत्यु की सूचना हमारे पास है, जिसमें 77 लोग ट्रीटमेंट के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए और 23 ब्रॉड डेड थे। तो व्यवस्था है आज हमारे सारे सरकारी अस्पतालों में, लेकिन एक चीज और आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो अधिकांश लोग जिनकी मृत्यु हुई है वो सब लोग 55-60 या उसके उम्र के ज्यादा के थे, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शारीरिक प्रतिरोध भी थोड़ी घट जाता है, तो ये वाकया हुआ है और इसको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन
मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से सारी मुकम्मल व्यवस्था हमारे अस्पतालों में है और यदि इस प्रकार से कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है तो उसका समुचित इलाज कराया जा रहा है। सर एक सवाल है सर कि एएससी से कितने जिले प्रभावित हैं? ठीक है, आई मीन दिस इज अ गुड थिंग, आपने अच्छा है ये पूछा है क्योंकि ऐसे हमारे जो आंकड़े हैं, हमारे आंकड़ों में 12 जिले हैं और इस 12 जिलों में 222 ऐसे प्रखंड हैं जहां पर हम लोग एईएस के लिए व्यवस्था करते हैं और वहां के जो डॉक्टर हैं और उनके जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको हम ट्रेन करते हैं। लेकिन मैं थोड़े से आंकड़े आपको देना चाहूंगा जो आपके थोड़े एसकेएमसीएच में कुल 293 मामले जो एडमिशन्स हुए हैं, उस 293 में से 222 केसेस जो हैं, 220 केसेस वो मुजफ्फरपुर जिले से हैं। तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 70-75% जो एडमिशन हो रहे हैं वो मुजफ्फरपुर जिले से ही हो रहे हैं। ईस्ट चंपारण उसके बाद है जहां पर 34 लोग हैं, सीतामढ़ी, वैशाली, तो इनफैक्ट ये चार जिलों से अधिकांश केसेस आ रहे हैं। तो यदि मुजफ्फरपुर के भी 220 मामलों केसेस को यदि ब्लॉक वाइज हम ब्रेकअप करके देखते हैं तो अधिकांश केसेस जो हैं वो सिर्फ चार ब्लॉक से आ रहे हैं, मुसहरी, कांटी, मीनापुर और बोचा। तो कहीं ना कहीं जो अभी मुख्य सचिव महोदय ने आपको बताया कि ये जानने का कोशिश की जा रही है कि किन कारणों से हो रहा है, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो इन 12 जिलों में से 75% केस मुजफ्फरपुर से आ रहा है और मुजफ्फरपुर के भी जो मैक्सिमम 70-75-80 केसेस हैं बस प्रतिशत वो सिर्फ चार ब्लॉक से आ रहे हैं जो कि मुजफ्फरपुर के इर्द गिर्द है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम पता लगा पाए कि एक्चुअल कारण क्या है इन मौतों के पीछे और यदि उनकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि की परीक्षण भी होती है तो हम थोड़ी बेहतर स्थिति में होंगे।